ट नॉट मैथ भी एमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर टू अब यहाँ का ग्राफ जो है हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास वन टू वन ग्राफ है या नहीं तो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर वन जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपना फंक्शन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू में हमें फंक्शन क्या मिला है तो अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेर हमें गिवन है और अगर हम लोग इसका जो ग्राफ बनाएँ तो मैं ज़रा रफली ग्राफ बनाऊंगी तो जो है मजाक में थोड़ा आइएगा ग्राफ का ये हो जाएगा इस तरह से इस तरह से ग्राफ है हमारे पास समथिंग लाइक दैट ठीक है वाई एक्सिस सबका हमें पता है अच्छा खासा ठीक है ज्यादा मेंशन नहीं करूंगी मैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं माइनस वन जीरो और वन के बीच जो है ये ग्राफ है हमारा अटका हुआ है यहाँ पे सही है ना कहते हैं ना लटका हुआ ग्राफ तो यहाँ पर ये भी लटका हुआ है तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है मतलब कि ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन है या नहीं तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू को भी सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है तो वो तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रेक डाउन करके आपको समझाया अब हम लोग जो है उसको बस जनरल सोल्यूशन में ही करेंगे ठीक है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग एक्सरसाइज को जो अच्छे तरीके से भी समझ लें और कोई डाउट भी ना रहे ठीक है तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत हायर टॉपिक जैसे कि बी एस मैथ्स बी एस इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो चलिए सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे दो तो फंक्शन देंगे तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू है फंक्शन तो चलिए इसमें फंक्शन लगा लेते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे फंक्शन है एक्स की पावर फोर माइनस एक्स टू ठीक है यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे एक्स वन सही है इसको भी एक्स वन बोल देंगे क्योंकि ये फंक्शन वन का है ठीक है एंड ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर टू ये है टू टू बिकॉज ये फंक्शन टू से बिलोंग कर रहा है तो इसलिए मैंने इसको एक्स टू बोला है ठीक है नाव इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है कैसे पावर पावर जो सेम है उनको एक जगह पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स की पावर फोर वन टू ये टू का था ये वन का था ठीक है एंड नाउ ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन टू और ये माइनस ही रहेगा सही है तो अब इसको मजीद कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग ए प्लस बी का जो ए माइनस बी का जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसे ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो होप ये फॉर्मूला सबको पता होगा हाई मैथेमेटिक्स पढ़ रहे ये फॉर्मूला तो सबको मस्ट पता ही होगा लेकिन मैं अगेन जो है रिपीट करवा रही हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र वन माइनस एक्स स्क्र ठीक है स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया मैंने क्योंकि वो पावर था तो ये जब फोर होगा तो ये स्क्वायर 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 और स्क्वायर बन जाएगा ठीक है एंड ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू और स्क्वायर स्क्वायर अपनी जगह पे एंड ये इक्वलिटी की जगह अपनी जगह पे रह जाएगा ठीक है अब अगर हम लोग देखें तो माइनस और माइनस है कट जाएंगे हमारे पास ठीक है हमारे पास क्या रह गया हमारे पास रह गया एक्स वन प्लस एक्स टू एंड स्क्र स्क्वेयर इक्वल टू वन ठीक है तो हमारे पास वैल्यू क्या रह गई हमारे पास वैल्यू ये रह गई इसका मतलब है कि कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स वन स्क्वेयर इक्वल टू ये एक्स टू जब उधर जाएगा तो माइनस एक्स टू बन जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास क्या कर रहा है ये हमारे पास उस वैल्यू को उस जो है मेथड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जहाँ हम बोलते हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बट ये तो नहीं है तो मतलब कि ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन नहीं है तो दिस इज़ नॉट वन टू वन फंक्शन ठीक है दिस इज़ नॉट वन टू वन फंक्शन और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ सो so नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर थ्री एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास वन टू वन ग्राफ है या नहीं तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा दिया गया है सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ फंक्शन हमें दिया गया है एप्सलूट की फॉर्म में ठीक है तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज़ वाई इक्वल टू टू एप्सलूट ऑफ एक्स ठीक है और इसमें हमारे पास ग्राफ जो है वो कैसा बना है लेट्स टिक द ग्राफ तो ग्राफ बहुत ही ईजी ग्राफ है वी की शक्ल में ठीक है तो ये है हमारे पास वी की शक्ल का ग्राफ ठीक है मतलब बहुत अच्छा बना है हूँ में तो का मत मेरे ग्राफ्स पे ठीक है ना बहुत ही अच्छा बन रहा है वैसे तो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस ये है हमारे पास वाई एक्सिस ना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे बस इसमें इतना ही है ठीक है ना आगे हमारे पास क्या होगा अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन है टू एक्स और पे क्या है एप्सलूट की फॉर्म है तो जब भी एप्सलूट आ जाता है तो हमें लगता है कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बट हर बार ऐसा नहीं होता ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो यू नो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल टू अप्रिशिएट आवर मेहनत ठीक है तो हार्ड वर्क को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी आप सल्यूशन कर लें तो आपको ख़ुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है हमें ऐसा नहीं लगता हम कहते हैं क्या यार बस काम था हो गया बट ऐसा नहीं होता ठीक है ना अप्रिशिएट करना चाहिए ख़ुद को भी और दूसरों को भी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन एन फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू को सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी बनाएंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन से ठीक है यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या होगा टू एप्स रूट ऑफ एक्स वन टू एप्सलूट ऑफ एक्स टू हमारे पास दो फंक्शन आ गए अब अगर हम लोग देखें टू एंड टू विल बी कैंसिल हमारे पास क्या रह जाएगा एप्स रूट एक्स वन एक्स टू हमारे पास जो है रह गया अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग के पास है एब्सोल्यूट यानी केसेस क्या हो जाएंगे दो केसेस हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कंसिडर करेंगे कंसिडर केसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे कंसिडर केसेस हमारे पास ये हो जाएगी कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा एक केस ये हो गया दूसरा केस क्या हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू क्यों क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास एप्सलूट आ गए हैं ठीक है जब आ जाता है तो जाहिर से बता है हमारे पास दो ही जो है वो केसेस होंगे प्लस का भी और माइनस का भी तो अगर हम लोग इन दोनों केसेस पर देखें गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास जो है एक चीज़ आ जाती है वो चीज़ क्या है वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वन टू वन जो है फंक्शन बन रहा है बट यहाँ पर हमारे पास वन टू वन फंक्शन नहीं बन रहा तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता है जिसमें एक में वन टू वन फंक्शन बन रहा हो और दूसरे में वन टू वन फंक्शन नहीं बन रहा हो तो येस और नो का मतलब क्या होता है नो no होता है यानी ये ग्राफ भी हमारे पास क्या है वन टू वन फंक्शन का नहीं है ठीक है सो हम लोग इसको लिख देंगे नॉट वन टू वन फंक्शन ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये वाला ग्राफ भी हमें पता चल गया कि वन टू वन फंक्शन नहीं है क्यों नहीं है वो भी हमें पता चल गया बिकॉज दिस इज इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल ये तो गलत है ना x1 और x2 जो equal होते हैं वो इक्वल होते हैं ना बट ये तो नहीं है तो मतलब कि हमारे पास ये वन टू वन ग्राफ भी नहीं है दिस इज दिस फंक्शन इज नॉट वन टू वन फंक्शन नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ सो लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर फोर तो यहाँ हमें क्या मिला है हमें मिला है इंटीजर विथ एक्स ठीक है अब इसके अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हमारे पास इसका ग्राफ किस तरह से है इसका ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह से ठीक है ब्रेकिंग डाउन ग्राफ चल रहा है यहाँ पर हमारे पास ठीक है ये हो रहा है हमारे पास कुछ इस तरह से अब मैं ज़रा इसको तो काफ़ी रफली बना रही हूँ आप समझ लें कैसा है बुक में जो है वो बना हुआ है और ये कुछ इस तरह से जा रहा है और ये जा रहा है तो मैं इसको जाने दूंगी ठीक है <laughs> ये बस कंटिन्यू है इस तरह से ठीक है तो चले इसको हम लोग कंटिन्यू ही रखेंगे ठीक है ग्राफ को बस समझ लीजिए ना वो आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास फंक्शन हमारे पास गिवन है वाई इज इक्वल्स टू इंटीजियर ऑफ एक्स में तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वन टू वन ग्राफ है या नहीं ठीक है सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं या नहीं लेट करते हैं कैफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ठीक है अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स हमें इंटीजर ऑफ एक्स में गिवन है यानी हम लोग इसको एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वन में यूज़ करेंगे ठीक है और अगर हम लोग ने आपने पढ़ी होगी सीलिंग और दूसरी क्या थी चैप्टर नंबर वन में आई थिंक सो ये चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं सीलिंग और दूसरा नाम मैं भूल गई इसका आ, तो यहाँ पर जो है मैं स्लो सीलिंग होती है मैं जरा बुक में उसका नाम ढूंढ लूँ अगेन क्योंकि अब मैं उसका नाम भूल गई हूँ ठीक है आ, उसका नाम क्या था मुझे काफी ढूंढना पड़ेगा अब इसके लिए तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका नाम क्या है ठीक है ऊपर वाली का तो सीलिंग होता है ना अब नीचे वाली का क्या है वो मुझे बताइएगा तो इसका एक नाम तो सीलिंग था और इसका जो है एक नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका नाम था लोएस्ट इंटीजर ठीक है तो इसका एक दूसरा नाम भी था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो क्या था तो अब हम लोग यहाँ पर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का सैम्पल यूज़ करेंगे बिकॉज हमें इंटीजर्स के है ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक एक्स एक वन और दूसरा हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टू ठीक है तो हमने दो जो है क्या नाम है फंक्शंस दे लिए एक्स वन और एक्स टू के अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर भी हमारे पास एप्सलूट लाइक एपसलूट कंसिडर होंगे दो केसेस ठीक है बिकॉज यहाँ पर हम लोग ग्रेटेस्ट सी ग्रेटेस्ट को यूज़ कर रहे हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को ठीक है तो यहाँ पर भी हमारे पास दो जो है वो बन जाएंगे क्या दो बन जाएंगे हमारे पास केसेस तो कंसिडर करेंगे हम लोग केसेस को एक केस होगा नंबर वन केस होगा हमारे पास कि उसमें हमारे पास ये दोनों जो है वो बराबर होंगे ठीक है और दूसरा केस होगा हमारे पास जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगे ठीक है तो एक में बराबर है और दूसरे में बराबर नहीं है तो यानी ये तो हमें वन टू वन जो है फंक्शन दे रहा है लेकिन जो बराबर नहीं है वो हमें वन टू वन फंक्शन नहीं देता ठीक है नॉट वन टू वन फंक्शन तो जब एक देता है और दूसरा नहीं देता तो जवाब में क्या होता है नहीं होता है तो ये भी हमारे पास नॉट वन टू वन फंक्शन ठीक है इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो भी सॉल्व हो गया है होप कि यहाँ पर जितनी भी जो है कंडीशन थी वो आपको समझ आ गई होंगी और इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेट सी किसको इसको याद है ठीक है नाउ चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर फाइव सो लेट नॉट मैथ बी एम मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर फाइव और अगर क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें तो हम एक फंक्शन uh, कैसे गिवन है वाई इक्वल टू वन बाई एक्स और अगर इसकी जो है मैं ग्राफ की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ग्राफ है इसका अब देखते हैं हम उतना खूबसूरत बना पाते हैं या नहीं ठीक है वैसे अगर मेरी डायग्राम को जज मत कीजिएगा इस ग्राफ से मेरी डायग्राम्स जो है ना वो बहुत अच्छी है मेरी ड्रॉइंग बहुत अच्छी है और साथ में जो है मेरा क्राफ्टिंग का चैनल भी है तो अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है दिल्स क्राफ्टर दिल्स क्राफ्ट ठीक है पहले था मेरा एक दूसरा हाँ मुझे पता है मैंने बताया था आपको टेक क्राफ्ट विद बुशरा बट वो जो है वो ख़राब हो गया है तो मैंने उसको जो है हरा हटा दिया है ठीक है अब जो है न्यू चैनल है मेरा जिसका नाम है दिल्स क्राफ्ट तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही मजे मज़े के आप जो है होम डेकोर देख सकते हैं डीआईवाई जो होते हैं हमारे पास क्राफ्ट्स और साथ में जो है आप इसमें मेरी जो है स्केचिंग और ड्राइंग भी देख सकते हैं ठीक है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने मेरे जो है दिस क्राफ्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिसकी लिंक भी जो है आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और साथ में अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में भी ठीक है तो चलिए अब हम लोग क्राफ्ट की बात कर रहे थे तो हमारे पास कुछ इस तरह से है और ये है हमारे पास कुछ इस तरह से ठीक है बहुत ही अच्छा सा ग्राफ है मैंने थोड़ी सी लाइन्स जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर पतली पतली लगा दी है लेकिन थोड़ी सी मोटी है जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन है या नहीं जिसके लिए हमें करने होंगे कुछ स्टेप्स तो चलिए देखते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हैं so, तो सपोज तो करेंगे हम लोग अपने दो फंक्शन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ़ ऑफ़ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ़ एक्स टू ठीक है तो एफ़ ऑफ एक्स वन क्या है वन बाई एक्स वन है एंड एफ ऑफ एक्स टू क्या है वन बाई एक्स टू है बिकॉज ये फंक्शन वन का है ये फंक्शन टू का है अगर आपने इधर वन और टू नहीं लगाया देन ये जो है कन्फ्यूज़ हो जाएगा ये जो सोल्यूशन है ये खुद में ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा भाई मैं कहाँ से लिया गया हूँ तो जो तो x1 x2 है बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें बताते हैं कि हम लोग कौन से फ़ंक्शन से आ रहे हैं ठीक है तो चलिए अब हमने दोनों को जो है सेट कर लिया है नाउ क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ठीक है इक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा एक्स टू इक्वल टू एक्स ऑफ वन हो जाएगा नाउ अगर हम लोग देखें तो साफ हमें बता रहे हैं कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ टू और जब भी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता है तो ये क्या बोलता है कि मैं हूँ वन टू वन ग्राफ या वन टू वन फंक्शन तो यस इट इज़ वन टू वन फंक्शन तो होप कि यहाँ पर जितने भी रीजंस मैं आपको बता रही हूँ और जितनी भी सॉल्यूशंस बता रही हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो वन टू वन फंक्शन है नाउ होने चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर सिक्स और जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है सुनाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स पर हम आ गए हैं यहाँ पर अगर हम लोग चेकआउट करें तो हमारे पास क्या है हमारे पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई थ्री और जो हमारे पास ग्राफ है वो भी बहुत खूबसूरत सा ग्राफ है तो चलिए इसको जरा से वहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि इन्होंने ग्राफ हमें कैसा दिया हुआ है तो कुछ इस तरह की स्टाइल का हमारे पास ग्राफ चल रहा है यहाँ पे ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं वन टू वन और नॉट वन टू वन फंक्शन ठीक है तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वन की पावर वन बाई थ्री एंड एक्स टू की पावर वी वन बाई थ्री बहुत साइड क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा एंड दिस इज अवर वन टू वन फंक्शन यस हमारे पास क्या है वन टू वन फंक्शन है दिस द गिवन फंक्शन ठीक है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो भी खत्म हो चुका है और होप uh, कि सबको समझ आ गया होगा इस तरह से हम लोग एक फंक्शन को देखते हैं कि वो वन टू वन है या नहीं तो चलिए ना नेक्स्ट वीडियो में लेंगे मोर क्वेश्चंस के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासे भी जॉइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है थैंक यू सो मच